अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावकत आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्ब्स बेनिफिट्स इन्फो में, और आज आप हजरात की पेश खिदमत में एक बड़ा शानदार नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। यकीन मानिए कि ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप सुन के ही डामाडोल हो जाएंगे कि इतना सस्ता नुस्खा और इतना किफ़ायती नुस्खा आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया। बड़े से बड़े हकीमों के पास चले जाओगे इस नुस्खे के, यकीन मानिए 60-70 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा, लेकिन आपको नुस्खा नहीं बताएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, अब भी वादा आपको बता रहा हूँ कि चाहे कितनी कीमती चीज़ हो, चाहे कितनी अद्वियात हो, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल कोड़े के दाम बता दूंगा। तो ऐसा ही नुस्खा जब आज आप हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिस भाई का जो अज़ू है वो खड़ा नहीं होता है, अज़ू में दम नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा अज़ू है, बेजान है, ढीला है, तो वो ज़रा आसान नुका जाए। जिनकी बीवी उनसे शिकायत करती है कि आप जब अंदर डालते हो तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कोई रुअड़ की कोई चीज़ अंदर जा रही हो, कोई रुई जा रही हो, बिल्कुल ढीली चीज़। तो आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह बीवी के डालते ही बीवी उछल जाएगी, 2 फुट ऊपर उछल जाएगी कि ये क्या डाल दिया, लोहे की रोड बिल्कुल गरम गरम डाल दी, मुझे तो मार दिया तुमने। बड़ा शानदार नुस्खा इंशाल्लाह, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। तब तक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको बासानी के साथ इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फिलहाल वीडियो की तरफ आगाज़ करते हैं। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पंसारी की दुकान से या किसी किराना स्टोर की दुकान से वेसलिन ले आनी है। वेसलिन को आपने हवन दस्ते में डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने वेसलिन के अंदर 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, लौंग और दालचीनी, 20-20 ग्राम की मिकदार में दोनों चीज़ें डाल दीजिए, और डालने के बाद इनकी अच्छी तरीके से रगड़ाई कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से रगड़ाई कीजिए। रगड़ाई करने के बाद इसको दोबारा से महफूज कर लीजिए डिब्बी में, और रात को सोते टाइम अपने अज़ू पर अच्छी तरीके से लगाइए, लगाकर सो जाइए, इतना आपने काम करना है। अगर दाने निकल आए बाई चांस तो आप इस पर मक्खन या गोले का तेल लगा सकते हैं अपने अज़ू पर। इंशाल्लाह एक ऐसा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आपकी टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा, लंबाई मोटाई के दीवान हो जाओगे और इंशाल्लाह ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेरा नुस्खा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।